तो जनता हम आ चुके हैं हमारे फील सीजन 3 पावर्ड बाय चूजी के लास्ट शोकेस की तरफ, एंड ये शोकेस दे रहे हैं लास्ट ईयर के डिफेंडिंग चैंपियन। एंड ऑन ए शोकेस बेसिस जजेस आर गोना गिव हिम पॉइंट्स, बट ही क्वालिफाइज फॉर द टॉप 8। लेट्स सी हाउ ही स्कोर्स इन दिस शोकेस राउंड। एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा लास्ट ईयर के डिफेंडिंग चैंपियन को, एक बार मोहनसी के लिए जोरदार तालियां। क्या एनर्जी है यार, सुपर एनर्जी। एक बार मोहन सिंह के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मोहन। पब्लिक तो मतलब वंस मोर बोल रही थी, आप पहले भी जीत चुके हो ये चैंपियनशिप, आपके मन में क्या था कि मुझे अपना स्टेक्स कितना हाई रखना है इस बार शोकेस में? बहुत जरूरी है रखना वो चीज, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस का बेंचमार्क काफी ज्यादा रहता है। एंड बस मैं आपसे सुनना चाहता हूँ इस एक्ट के पीछे की तैयारी तुम्हारी। पहली चीज तो ये, थैंक यू सो मच फील, थैंक यू सो मच वर्णन सर, उनकी पूरी टीम जिन्होंने ये अच्छा कॉन्सेप्ट लाया। मैं फील को खाली फील की नज़र से नहीं देखता, मैं इस इवेंट को लाइफ चेंजिंग इवेंट बोलता हूँ, क्योंकि इसके वजह से मेरा लाइफ चेंज हो गया। मतलब जो मैंने मेहनत किया, जो भी मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में, इस स्टेज की वजह से मेरा लाइफ चेंज हुआ। और रही बात ये शोकेस को लेकर, तो बट ऑब्वियस मेरे को पता था मैं टॉप 8 में ऑलरेडी हूँ, तो मेरे दोस्त लोगों ने सबने बोला कि ठीक है तू फ्री स्टाइल मार दे, वैसे भी टॉप 8 में। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, भले से बैटल का गाना ठीक है मैं कर लूँगा वो मैनेज, लेकिन मेरे को मेरा शोकेस भी वही लेवल का रखना पड़ेगा एज अ डिफेंडर। तो डिफेंडिंग चैम्पियन के हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दे दिया। और थैंक यू सो मच, मतलब मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी भर मेरी अम्मा का, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरी भाभी का, ये 3-4 लोग हैं मेरे लाइफ में, उनके वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मेरी मतलब मैं जब भी स्टेज पे उतरता हूँ तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि चलो भाई फाड़ दूँगा, मैं अपना पास देखता हूँ हमेशा, अपनी अम्मा का स्ट्रगल देखता हूँ हमेशा, कि उन्होंने जितना स्ट्रगल मेरे को मेरे लिए किया है मैं उससे ज़्यादा स्ट्रगल करके उनको देना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ एज अ डिफेंडिंग चैम्पियन। थैंक यू सो मच। बहुत ही बड़े वर्ड्स आपने कहे, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। एंड ऑब्वियसली जो बेंचमार्क आप सोच के आए थे, अब देखते हैं कि जजेस उसके बारे में क्या सोचते हैं, कितना बेंचमार्क लेवल आपने सेट किया इस बार, जानते हैं जजेस से। सो स्टार्टिंग ऑफ विद एक्सी सर, एक्सी सर हमारे डिफेंडिंग चैंपियन के लिए क्या कहना चाहोगे? हाय मोहन। हाय सर। मोहन का परफॉर्मेंस देख के ऑब्वियसली इतने सारे वाव, इतना सारा मसाला, इतना सब कुछ, आई मीन ये सॉन्ग पे कोई इतना ऐसा विजुअल नहीं करेगा कि ऐसा कोई दिखा सकेगा, तो मोहन ने इसको चीर फाड़ सब कुछ करके एक ऐसा चीज दिखाया जो यहाँ पे सीटी ताली और कुछ ही नहीं था। सो
क्या बात है मोहन, एक नंबर, बहुत अलग परफॉर्मेंस था, बहुत यूनिक था। जितने भी म्यूजिक बीट्स, हर एक लिरिक्स को तूने अलग तरीके से दिखाया, जो लोग सोचते नहीं उससे भी परे तू दिखा रहा है। स्पेशली तेरा पेंट वाला रजिस्टर मोमेंट, वो इतना मतलब सब कुछ यूनिक था, बहुत कुछ यूनिक मोमेंट्स था। सो पूरा वाव एंड यूनिक परफॉर्मेंस था मेरे लिए। ऑल द बेस्ट, सो मच, थैंक यू सो मच सर। जोरदार तालियां हो जाए एक बार एक्सी सर के लिए यार। कमिंग ऑन अमित सर, अमित सर, मोहन भाई के लिए क्या कहना चाहोगे आप? हाय मोहन, व्हाट्स अप? हाय सर। मुझे एक्चुअली थोड़ा टाइम के लिए तू पिछले वाला सीजन में लेके गया, बट तू ये परफॉर्मेंस में क्या खेला है स्मार्टली, जो मैंने लास्ट सीजन देखा था, और ये मतलब तूने जो एलिमेंट्स ऐड किए हैं ना, कैसे बताऊं, मतलब तेरे को पता है कि नेक्स्ट टाइम मेरे को जाना है नेक्स्ट सीजन में तो क्या करना चाहिए, और वो जो एलिमेंट्स डाले, मतलब ना मेरे को एलिमेंट्स अभी मैं ये देखा, ये याद रखे कि तूने दूसरा कर दिया, तो तूने चार पांच जो एलिमेंट्स किए स्पेशली, मेरे को वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब हम लोग के लाइन में बोलते हैं कि तूने क्या खेला है, मतलब क्या कोरियोग्राफ किया है, और मेरे को कोरियोग्राफी बहुत पसंद है जो तूने किया यहाँ पे, अब तक का मुझे बेस्ट लगा एज अ डांसर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो तूने किया ना वो ज़्यादा कनेक्ट हुआ मेरे को लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अपग्रेड था, और जो था वो तूने दिखाया हुआ है और उसको गया अंदर। वेरी गुड सो बेस्ट। एक बार तालियां हो जाए अमित सर के लिए भी यार, क्या बात है। नाउ मूविंग ऑन अभिषेक सर, क्या कमेंट्स? मोहन यार, मैं एकदम सच्ची बात बोलूंगा दिल से, गाने के मूड को चेंज करना भी एक आर्टिस्ट्री है, लेकिन वो सबको नहीं आता है, लेकिन मोहन तेरे को बहुत अच्छे से आता है। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये गाने को मैं ऑनेस्टली जैसे तू सुनता है, मैंने इस गाने को ऐसे सुना नहीं है। बहुत मजा आया, मतलब मेरे को तू दिखा कि ये मैं हूँ। तूने जो सेल्फ लव, तूने अपने तोंद को जो तूने एक्सेप्ट किया कि ये मेरी तोंद है, इससे भी नाचूंगा मैं। और कुछ कुछ चीजें जो तूने की, मतलब ऑनेस्टली जब पहली बार कोई तेरे को देखेगा तो मेरे को तो नहीं लगा था वो कुछ कुछ फ्लोर पे तूने वो बाउंस किया, मां कसम ये कैसे कर रहा है। तो तू एथलेटिकली भी काफी स्ट्रांग है, और तू खुद का ही एक इंडस्ट्री है, तू खुद ही कुछ चीजें करता है, और तू बस ऐसे ही रहे यार, और लोगों से मिल और सीख और इवॉल्व हो। लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू फॉर मेकिंग मी लाफ एंड स्माइल। इस गाने में मैंने कभी ऐसा लाफ नहीं किया, बट मजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, तो हमारे हसमुख डिफेंडिंग चैंपियन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मोहन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तैयारी कर लो।